हेलो एवरीवन, वेलकम टू नामदेव एकेडमी। तो फ्रेंड्स, आप देख सकते हो आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा, जिस टॉपिक के बारे में हम पढ़ने वाले हैं, बायोलॉजी का काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। न्यूट्रिएंट्स के बारे में पढ़ेंगे, पोषक पदार्थ है इनके बारे में यहाँ पे पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे, थ्योरी पार्ट डिस्कस करेंगे, और सारी चीज़ों को यहाँ पे मैंने डायग्राम की हेल्प से यहाँ पे पूरी कोशिश रहेगी कि अच्छे से मैं आपको क्लियर कर पाऊँ। और उसके बाद में जब ये थ्योरी पार्ट जल्दी से कंप्लीट कर लेंगे, और उसके बाद यहाँ पे क्वेश्चन सेट रखा है जिसके अंदर काफ़ी सारे क्वेश्चन रखे हैं इस टॉपिक से रिलेटेड। और देखिए, प्रीवियस ईयर में इस टॉपिक से जितने भी क्वेश्चंस पूछे गए हैं, वो सभी उन सभी क्वेश्चंस को यहाँ पे मैंने कवर किया है। तो गाइस, वीडियो को स्टार्टिंग से लेके लास्ट तक देखिएगा ताकि आपका कोई भी क्वेश्चन मिस ना हो पाए। तो चलो, बिना किसी देरी के स्टार्ट करते आज का ये सेशन, और देखते हैं किस तरह से हम यहाँ पे चीज़ों को क्लियर करने वाले हैं। देखिए फ्रेंड्स, आज के इस सेशन में हम बात करने वाले पोषक पदार्थों के बारे में बात करेंगे, यानी कि जो न्यूट्रिएंट्स हैं इनके बारे में यहाँ पे बात करेंगे। क्या क्या न्यूट्रिएंट्स हैं हमारी बॉडी के लिए, मतलब कि क्या क्या मेन चीज़ें इंपॉर्टेंट होती हैं, क्या क्या चीज़ कितनी ऊर्जा प्रदान करती है, तो इन सारी चीज़ों के यहाँ पे हम पढ़ेंगे। काफ़ी इंपॉर्टेंट है टॉपिक। तो यहाँ पे देखो, एक नॉर्मल अगर मैं लैंग्वेज में बात करूँ तो देखो, जो हमारी बायोलॉजिकल फंक्शन यानी कि जैविक कार्य को संचालन करने के लिए आवश्यक होते हैं, वही होते हैं पोषक पदार्थ। यानी कि मानव को एक स्वस्थ जीवन जीने के लिए दैनिक आहार में आवश्यक पोषक पदार्थ है वो लेने होते हैं। अब यहाँ पे एक लाइन मैंने बताई इससे पहले, क्या मैंने बताई कि जो हमारी बायोलॉजिकल फंक्शन यानी कि जैविक कार्य को संचालन करने के लिए आवश्यक होते हैं वो पोषक पदार्थ होते हैं। अब ये बायोलॉजिकल फंक्शन क्या है, जैविक कार्य क्या है, तो जैसे कि ऊर्जा उत्पन्न करना, ये एक बायोलॉजिकल फंक्शन है। शरीर के टूट फूट की मरम्मत करना, ये भी बायोलॉजिकल फंक्शन है। और जो उपापाचिक क्रिया, ये भी क्या है, बायोलॉजिकल फंक्शन है, यानी कि जैविक क्रिया है। अब यहाँ पे देखिए, इसके लिए हम पढ़ने वाले हैं विटामिन, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, खनिज और वसा। तो गाइस, यहाँ पे एक चीज़ मैं बताना चाहूँगी, आज के इस वीडियो में हम विटामिन नहीं पढ़ने वाले। क्यों नहीं पढ़ने वाले, इसके पीछे रीजन ये है कि विटामिन पर ऑलरेडी मैंने अलग से वीडियो बना के आप लोगों को दे रखा है। और उसके लिए आप लोगों को क्या करना होगा, चैनल पे विजिट कीजिए, जनरल साइंस के आपको प्लेलिस्ट मिलेगी, वहाँ पे आपको मिल जाएगा जो विटामिन का वीडियो वो, या फिर मतलब कि नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक डाल दूंगी, और वीडियो के ऊपर भी लास्ट में लिंक मिल जाएगा, तो वहाँ से भी आप देख सकते हो। तो है ना, अब यहाँ पे आज हम पढ़ेंगे प्रोटीन के बारे में, कार्बोहाइड्रेट के बारे में, वसा, खनिज, इनके बारे में पढ़ेंगे। तो अब यहाँ पे इसकी बात हमने कर ही लिया डेफिनेशन की। तो गाइस, जो पोषक पदार्थ होते हैं ना, ये सारे जो पोषक पदार्थ होते हैं वो किससे मिलते हैं हमें, तो ये हम देख सकते हो, फल, सब्जी, दूध, दही, इस तरह के पदार्थ से ये सारी चीज़ें मिलते हैं। और ऐसा आहार जिसमें सभी पोषक पदार्थ हैं वो एक संतुलन मात्रा में उपस्थित हो, उसको हम क्या कहेंगे, उसको हम कहेंगे संतुलित आहार कहलाता है वो। अब यहाँ देखिए, यहाँ एक ये क्या है, एक मानव बॉडी है, ह्यूमन बॉडी है ये, तो इसमें हम यहाँ पे आज पढ़ेंगे कार्बोहाइड्रेट, फैट और प्रोटीन के बारे में। अब इनके बारे में क्यों पढ़ेंगे, क्योंकि ये तीनों एक ही काम करते हैं, ये तीनों हमारी बॉडी को ऊर्जा प्रदान करते हैं। क्या प्रदान करते हैं, ऊर्जा। और जो विटामिन है उसका अलग से वीडियो इसलिए मैंने बनाया है क्योंकि विटामिन हमारी बॉडी को ऊर्जा प्रदान नहीं करता, इसका काम पूरी चीज़ें अलग होती है, जिसके बारे में मैंने बहुत अच्छे से ट्रिक के साथ हर चीज़ों को पढ़ाया है, तो वो आप देख सकते हो इसका वीडियो। अब यहाँ पे हम एक एक करके सारी चीज़ों के बारे में बात करेंगे। गाइस, कार्बोहाइड्रेट की बात करें तो कार्बोहाइड्रेट है, इसको इससे 50% से लेके और 70% तक की एनर्जी मिलती है हमारी बॉडी को, है ना। और जो कार्बोहाइड्रेट है ना, इसको शरीर का ईंधन भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, शरीर का ईंधन भी इसको कहते हैं, कार्बोहाइड्रेट को। और कार्बोहाइड्रेट में सबसे ज़्यादा जो एनर्जी मिलती है तुरंत, ये मिलती है ग्लूकोज से। ग्लूकोज है ये सबसे उत्तम सोर्स है कार्बोहाइड्रेट का। तो सारी चीज़ें हम यहाँ पे पढ़ लेंगे। प्रोटीन की बात करें तो प्रोटीन है, इसको बॉडी बिल्डर कहते हैं, और सबसे ज़्यादा जो प्रोटीन की मात्रा होती है ये होती है सोयाबीन में होती है। तो सारी चीज़ें देखते हैं। अब यहाँ पे देखिए, जैसा कि मैंने बताया हम क्या पढ़ने वाले, देखो शरीर का निर्माण करने वाला पदार्थ मैंने बताया था बॉडी बिल्डर, किसे कहते हैं, प्रोटीन को कहते हैं। और यहाँ पे जो एनर्जी प्रदान होती है किस किस से होती है, शक्तिवर्धक पदार्थ जो होते हैं कार्बोहाइड्रेट, जल और वसा। फिर यहाँ पे स्वास्थ्यवर्धक जो पदार्थ है इसमें हम स्टडी करेंगे खनिज, लवण और विटामिन। विटामिन के बारे में ऑलरेडी हमने पढ़ लिया है, इसके बारे में यहाँ पे हम डिस्कस नहीं करेंगे। तो चलो, एक एक करके सारी चीज़ों को देखते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे यहाँ पे कार्बोहाइड्रेट के बारे में। तो गाइस, कार्बोहाइड्रेट से रिलेटेड एक चीज़ नोट डाउन कीजिए कि ये क्या करता है, बॉडी को एनर्जी प्रदान करता है, एनर्जी प्रदान करता है।
और यहाँ पे जो इसका सबसे उत्तम सोर्स होता है ग्लूकोज और ग्लूकोन डी, है ना। और ये जो कार्बोहाइड्रेट है ये एक ऐसा प्रोडक्ट है जिसमें, मतलब कि ऐसे प्रोडक्ट जिसमें जो चिपचिपापन होता है ना, उन सभी में क्या रहता है, कार्बोहाइड्रेट रहता है। चिपचिपापन लाइक जैसे कि पोटैटो, जो टमाटर पोटैटो यानी कि आलू, आलू हुआ, मक्का हुआ, चावल हुआ, इन सभी में क्या होता है, कार्बोहाइड्रेट होता है। गाइस कार्बोहाइड्रेट की एक और चीज़ आप नोट डाउन कर सकते हो आप चाहो तो, कि जब CHO यानी कि कार्बन हाइड्रोजन और ऑक्सीजन है, इनका अनुपात 1:2 मतलब 1:2:1 इससे मिलकर जो पदार्थ बनाते हैं, इस रेशो से मिलकर जो भी पदार्थ बनाते हैं वो सभी क्या होते हैं, कार्बोहाइड्रेट कहते हैं इनको हम, है ना। और जो कार्बोहाइड्रेट है वो ये तो हमने देख लिया कि भाई कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, ये तीनों ऊर्जा प्रदान करते हैं, तो इसलिए यहाँ पे इन चीज़ों को डिस्कस करेंगे। अब यहाँ पे कार्बोहाइड्रेट के बारे में एक और चीज़ आपको लिखनी है कि ये शरीर में ईंधन, शरीर का ईंधन भी इनको कहा जाता है कार्बोहाइड्रेट का। तो यहाँ पे आप देख सकते हो शक्तिवर्धक जो पदार्थ होते हैं उसमें जो कार्बोहाइड्रेट है इसका प्रमुख स्थान है। तो वही चीज़ें यहाँ पे है, ये चीज़ें मैं ऑलरेडी मैं बता चुकी हूँ। और इसकी जो रासायनिक संरचना है वो हाइड्रोजन परमाणु, देखो रेशियो की अभी अपन ने बात की थी ना, क्या रहता है रेशियो, देखो यहाँ पे जो CHO का जो रेशियो रहता है वो ये रेशियो रहता है, है ना। तो वही चीज़ यहाँ पे लिखी हुई है। अब यहाँ पे देखो एक और चीज़ आपको याद रखनी है, जो कार्बोहाइड्रेट के रूप क्या क्या होते हैं, तो नोट डाउन कीजिए, कार्बोहाइड्रेट के जो रूप होते हैं, ग्लूकोज, फ्रुक्टोज, गैलेक्टोज, सुक्रोज, माल्टोज और लैक्टोज, ठीक है। ये सभी क्या होते हैं, कार्बोहाइड्रेट के रूप होते हैं, और इसमें से सबसे ज़्यादा तुरंत एनर्जी देता है ग्लूकोज। अब यहाँ पे देखो, अगर मान लो हम 1 ग्राम, यहाँ पे मैं लिख रही हूँ 1 ग्राम ग्लूकोज है, इसको पूर्ण ऑक्सीकरण इसका करते हैं तो 4.2 कैल्शियम, कैल्शियम जो ऊर्जा होती है ये प्रदान होती है हमें, ये भी आपको याद रखना है। अब यहाँ पे देखो और क्या काम होता है कार्बोहाइड्रेट का, तो गाइस कार्बोहाइड्रेट जो होते हैं वो न्यूक्लिक अम्ल होते हैं, इनका निर्माण करते हैं, किसका निर्माण करते हैं, न्यूक्लिक अम्ल का, जो कि अनुवांशिकी गुणों को एक पीढ़ी से और दूसरी पीढ़ी तक ले जाते हैं। कौन ले जाते हैं, जो न्यूक्लिक अम्ल होते हैं वो क्या करते हैं, जो अनुवांशिक गुण है उनको एक पीढ़ी से लेके और दूसरी पीढ़ी तक ले जाते हैं। तो ये सारी चीज़ें हम देख चुके हैं। और देखो ये भी मैंने बताया, 2 प्रकार के होते हैं, स्टार्च, स्टार्च वाला मैंने बताया था ना अभी, कि ऐसा प्रोडक्ट जिसमें स्टार्च हो यानी चिपचिपापन हो, तो एग्जाम्पल भी मैंने दिए थे जैसे कि चावल, मक्का, जौ, गेहूं, और मतलब कि इसके अलावा आलू भी होता है इस तरह से करके, तो वही चीज़ यहाँ पे देख सकते हो। इसके अलावा अगर शर्करा देने वाले पदार्थों की बात करें तो इसमें कौन कौन से होते हैं, मोनो और डाइसैकेराइड, ये होते हैं जैसे कि चीनी, गुड़, मीठे फल, ये सभी। और गन्ने में होता है सुक्रोज, अंगूर में होता है ग्लूकोज, और ये ग्लूकोज है ये, इससे भी काफ़ी जल्दी क्या मिलती है, एनर्जी मिलती है, मैंने बताया था आपको, है ना। और अन्य फलों में क्या होता है, फ्रुक्टोज होता है, दूध में लैक्टोज होता है, फल और सब्जियों में सेल्यूलोज होता है, ये भी इंपॉर्टेंट है। तो ये सारी चीज़ें आपको देखनी है। यहाँ पे डायग्राम आप देख सकते हो इनका, देखो फलों की बात हुई है, मीठे फल वगैरह, तो सारी चीज़ें यहाँ पे मैंने ली है। अब देखिए यहाँ पे सबसे मेन इंपॉर्टेंट चीज़ हम देखते हैं, वसा के बारे में बात करते हैं गाइस। तो यहाँ पे वसा के बारे में बात करें तो वसा भी क्या है, वसा जो है वो ऊर्जा का प्रमुख साधन है, और वसा 2 प्रकार का होता है। तो लेकिन देखो यहाँ पे 2 प्रकार का होता है, इसको डिस्कस करने से पहले थोड़ा और मैं बात करूँगी वसा के बारे में। तो जो वसा है इसमें क्या होता है कि CHO यानी कि कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन विभिन्न मात्रा में होते हैं, किसमें होते हैं, वसा में होते हैं। और वसा में जो, यहाँ पे मैं लिख देती हूँ, 20 डिग्री सेल्सियस पे ठोस अवस्था में होते हैं, वसा पे जो 20 डिग्री सेल्सियस पे ठोस अवस्था में होते हैं, परंतु वे इस ताप पर द्रव हो, वो क्या कहलाते हैं गाइस, तेल कहलाते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हो ये मैंने ले रखे हैं, ये है तेल, तो ये क्या कहलाते हैं, तेल। फिर से बता देती हूँ, वसा में 20 डिग्री सेल्सियस पे ठोस अवस्था में होते हैं, परंतु यदि वे इस ताप पर द्रव होते हैं तो वो क्या कहलाते हैं, वो कहलाते हैं तेल कहलाते हैं। ये सारी चीज़ मैं बता चुकी हूँ। अब सामान्य एक नॉर्मल व्यक्ति जो होता है उसको 20 से लेके और 30% ऊर्जा जो होता है
वो वसा से प्राप्त होती है। कितनी ऊर्जा प्राप्त होती है वसा से? फैट से 20 से लेके और 30%। ये भी हम डिस्कस कर चुके। अब और जानते हैं वसा के बारे में, तो नोट डाउन कीजिए, वसा की कमी से हमारी स्किन जो होती है ना वो रूखी हो जाती है। कैसी होती है? फैट की कमी से स्किन रूखी हो जाती है और जो वजन होता है, मोटापन होता है, वो कम हो जाता है। और वसा हमारी बॉडी में ज़्यादा होगा तो मोटापन हमारा ज़्यादा होगा। अब इसका वसा का, फैट का कार्य क्या होता है? शरीर को ऊर्जा प्रदान करने का काम होता है। और स्किन जो होती है, हमारी स्किन होती है, उसके नीचे जमा होकर शरीर का जो ताप होता है, टेम्परेचर होता है, उसको नियंत्रित करने का काम भी किसका होता है? वसा का होता है। साथ ही साथ शरीर के जो अंग होते हैं उसको चोटों से बचाता है वसा। तो ये सारी चीज़ें हम डिस्कस कर चुके हैं। अब देखते हैं दो तरह के होते हैं, कौन कौन से होते हैं? वनस्पति वसा। तो वनस्पति वसा में ये सारी चीज़ें होती हैं, ये आप देख सकते हो, चाहो तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। दूसरा होता है पशुओं से वसा। अब पशुओं से वसा तो नाम में ही आ रहा है, मतलब कि जैसे कि मांस मछली वगैरह ये सब, जैसे मछली का तेल हो गया, पशुओं की चर्बी, अंडे, जर्दी वगैरह, तो ये सारी चीज़ें होती हैं, ये किस में आती है? पशुओं से वसा में, है ना, फैट का जो, मतलब कि ये एनिमल्स का जो फैट होता है इसमें। अब यहाँ पे हम बात कर लेते हैं प्रोटीन के बारे में, बात कर लेते हैं। तो गाइस प्रोटीन की बात करें, जैसे कि मैंने बताया था ये एक बॉडी बिल्डर है, बॉडी बिल्डर कहते हैं इसे। और जो प्रोटीन होता है वो एक क्या है, केमिकल कंपाउंड है। क्या है? केमिकल कंपाउंड, यानी कि कार्बनिक यौगिक है प्रोटीन, है ना। और जो ये कितने एमिनो एसिड से मिलकर बनाया है, तो ये भी आप नोट डाउन कीजिए गाइस, 20 एमिनो एसिड से मिलकर बनाया है, जिसमें से 10 एमिनो एसिड है वो तो हमारी बॉडी से खुद अपने आप मिलती है, और जो 10 एमिनो एसिड होती है वो हमें भोजन से प्राप्त करनी होती हैं। तो और बात करें अगर विटामिन, ये सॉरी प्रोटीन के बारे में, तो जो प्रोटीन है वो शरीर में ऊर्जा उत्पन्न करता करना और जो शरीर की मरम्मत करने का काम किसका होता है? प्रोटीन का होता है। फिर से बोल देती हूँ गाइस, नोट डाउन कीजिए आप, शरीर में ऊर्जा उत्पन्न करने का और शरीर की मरम्मत करने का काम होता है प्रोटीन का। तो ये भी हमने देख लिया, सबसे ज़्यादा प्रोटीन होता है सोयाबीन में होता है, 42% जो प्रोटीन होता है वो सोयाबीन में होता है, फिर उसके बाद मूंगफली वगैरह इन सब में होता है। तो यहाँ पे और देखो, 1 ग्रामीण प्रोटीन है, इसको जलने से 4.1 कैल्शियम ऊर्जा प्रदान होती है, ये भी आपको याद रखना है। अब यहाँ पे आप देख सकते हो ये सारी चीज़ें यहाँ पे दी हुई है गाइस। देखो यहाँ पे बोला है कि कार्बन, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, गंधक, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस आदि, ये कितने तत्व है? 18 तत्व है। ये देखो ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, जो चीज़ मेन इम्पोर्टेंट आपको याद रखनी, कितने एमिनो एसिड से मिलकर बना है, तो मैंने बता दिया 20। और यहाँ पे ये दे रखा है, इसको भले आप चाहो तो अच्छे से लिख सकते हो, इस लाइन की जगह जो लाइन मैंने बताई है वो लाइन आप लिख सकते हो इसकी जगह। चलो अब यहाँ देखिए, प्रोटीन की बात करें तो भाई दो प्रकार का होता है, जंतु प्रोटीन। जंतु प्रोटीन में क्या क्या होते हैं? जैसे कि दूध, अंडा, मांस, मछली, पनीर, ये सभी होते हैं जंतु प्रोटीन होते हैं। और इसके अलावा दूसरा होता है वनस्पति प्रोटीन। तो वनस्पति प्रोटीन में आते हैं जैसे कि गेहूं, जौ, चना, चावल, मटर, सेम, हरी पत्तियों की वाली सब्जी, ये सभी किस में आते हैं? वनस्पति प्रोटीन में आती हैं। तो ये भी हमने देख लिया है। अब यहाँ पे हम बात कर लेते हैं गाइस खनिज लवण के बारे में, बात कर लेते हैं। तो जो खनिज लवण होते हैं वो शारीरिक अंगों का सुचारू रूप से संचालन तथा स्वास्थ्य के लिए, खनिज लवण जो होते हैं इनके विशेष महत्व हैं। अब ये यहाँ पे बात करें कौन कौन से हैं, तो जैसे कि फॉस्फोरस, लोहा यानी कि आयरन, कैल्शियम और सोडियम, पोटेशियम, आयोडीन, क्लोरीन, मैग्नीशियम, ये सभी क्या है? खनिज लवण है। इनमें से मेन की बात करें तो इन तत्वों में से कैल्शियम, फॉस्फोरस और लोहा ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो यहाँ देखिए फॉस्फोरस की बात करें तो आपको याद जो रखना है मेन चीज़ वो है कि अस्थियों और दालों का निर्माण हेतु ये सहायक होता है, और जो फॉस्फोरस होता है वो जो रक्त को भी शुद्ध करता है, ये भी आपको याद रखना है। और शरीर में जितने खनिज पदार्थ होते हैं उसका कितना भाग फॉस्फोरस होता है, तो उसका 1/4 भाग है ये होता है फॉस्फोरस। अब ये फॉस्फोरस किस किस से मिलता है, तो ये आप यहाँ पे देख सकते हो, मांस, कलेजी, अंडे, मछली, दूध, दही, पनीर, सेब, इन सभी से मिलता है। साथ ही साथ जैसे कि चाहे गोभी हो, आलू हो, पालक हो, मेवा, बादाम, इन सभी से भी क्या मिलता है? फॉस्फोरस। नेक्स्ट यहाँ आयरन के बारे में बात करेंगे, लोहा के बारे में। तो जो लोहा होता है, आयरन होता है, वो रक्त की लाल कणिकाओं के लिए आवश्यक होता है। और इससे किसका निर्माण होता है, तो गाइस इससे RBC का निर्माण होता है, रेड ब्लड सेल से इसका निर्माण होता है आयरन से। और जो समस्त शरीर यानी पूरी जो बॉडी होती है उसमें कितना ओंस लोहा होता है, तो ये होता है 1/10 ओंस लोहा होता है, आयरन होता है। किस किस से मिलता है, तो ये आप यहाँ पे देख सकते हो, जो
देखो यहाँ पे मांस, अंडे, यकृत और ये जो भी है, मतलब कि दाल, अंजीर, अंगूर, पालक, मेथी, पुदीना, टमाटर, मतलब सब्जियाँ वगैरह, इन सभी से भी क्या मिलता है, हरी सब्जियाँ वगैरह होती है, इन सभी से क्या मिलता है, आयरन मिलता है, तो वो आप यहाँ पे देख सकते हो। चलो नेक्स्ट है यहाँ पे कैल्शियम की बात करते हैं। तो गाइस कैल्शियम, अब देखो नाम से कैल्शियम सुनते हैं आपके माइंड में एक चीज़ तो आती है, बोन से रिलेटेड है, बिल्कुल हाँ, ये जो हड्डियाँ और दाल है इसके निर्माण में भाग लेता है और उनको स्वस्थ रखता है। कैल्शियम हृदय पेशियों में भी होता है और साथ ही साथ भाई मांसपेशियों में भी होता है। कैल्शियम, कैल्शियम है वो तंत्रिका तंत्र और शरीर के सभी कोशिकाओं के लिए काफी इंपॉर्टेंट होता है, ये चीज आपको याद रखनी है। तो नीचे के लाइन पे आप देख सकते हो मेन चीज, तो ये तीन ऊपर की तीन लाइन काफी इंपॉर्टेंट है। अब यहाँ जल के बारे में देखते हैं, उसके बाद क्वेश्चन सेट लगाते हैं। तो जल की बात करें तो आप सभी को पता है कि हमारी बॉडी के लिए जो जल होता है, वाटर होता है, वो भी काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। और हमारी बॉडी में जो हमारी बॉडी के जो वेट होता है उसका कितना प्रतिशत भाग जल का होता है, तो हमारी बॉडी के जो वेट होता है, भार होता है, इसका 65 से लेके और 75 तक का जो 75% का जो भाग होता है वो होता है जल का होता है, ये भी आपको याद रखना है ना। जल के द्वारा शरीर में होने वाले जैव रासायनिक अभिक्रियाएं होती हैं और जो जो जल है वो शरीर से अपशिष्ट पदार्थ होते हैं उसके उत्सर्जन के लिए भी ये बहुत महत्वपूर्ण भूमिका रखता है जल, ये चीज आपको याद होनी चाहिए। साथ ही साथ हमारे शरीर में 1% जल की कमी होने पर हमें प्यास लगती है, ध्यान दीजिएगा, 1% की कमी होगी तो प्यास लगेगी और 10% की अगर कमी हो जाती है हमारी बॉडी में जल की तो मृत्यु भी हो सकती है। गाइस अब लगाते हैं क्वेश्चन सेट। पहला क्वेश्चन है कि एथलीट को निम्न में से किसकी जल्दी या फिर ज्यादा ऊर्जा प्राप्त होती है, तो बताना कि एथलीट है इसको निम्न में से किससे जल्दी और ज्यादा प्राप्त होती है ऊर्जा, ऊर्जा किसको प्राप्त होती है, तो एथलीट है इसको सबसे जल्दी और ज्यादा ऊर्जा प्राप्त होती है कार्बोहाइड्रेट के द्वारा। बताया था कार्बोहाइड्रेट आपको याद रखना है, कार्बोहाइड्रेट से सबसे जल्दी और सबसे ज्यादा ऊर्जा प्राप्त होती है। अगला क्वेश्चन है शहद का जो प्रमुख घटक होता है वो क्या होता है, तो शहद का प्रमुख घटक होता है फ्रक्टोज, आपको याद रखना है ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा पदार्थ है जो मानव शरीर में ईंधन का काम करता है, तो मैंने बताया था कि मानव शरीर के ईंधन का काम कौन करता है, कार्बोहाइड्रेट, यहाँ पे राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से सर्वाधिक ऊर्जा कौन प्रदान करता है, सबसे ज्यादा ऊर्जा कार्बोहाइड्रेट, यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से शरीर जो कौन सा शर्करा तत्काल ऊर्जा प्राप्त करता है, अब यहाँ पे शर्करा का पूछा है कि इसमें से कौन सा शर्करा है जो कि तत्काल ऊर्जा प्रदान करता है, तो ये भी मैंने बताया था ग्लूकोज, आपको याद रखना है ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन है कि प्रोटीन को निम्न में से क्या माना जाता है, तो प्रोटीन का बताया था ना मैंने, बॉडी बिल्डर, तो शरीर का निर्माण करने वाला, तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है कि शरीर में ऊतकों का निर्माण किससे होता है, तो जो टिश्यू होते हैं इसका निर्माण होता है प्रोटीन से, तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी प्रोटीन। अगला क्वेश्चन कि निम्न में से किसमें प्रोटीन नहीं पाया जाता, तो गाइस प्रोटीन की बात करें तो चावल में प्रोटीन नहीं होता है बिल्कुल भी, तो आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन बी, कार्बोहाइड्रेट होता है चावल में, है ना। अगला क्वेश्चन है कि प्रोटीन की कमी से होने वाले रोग, बहुत ही इंपॉर्टेंट है गाइस, ध्यान दीजिए, जो प्रोटीन है इसकी कमी से दो रोग होते हैं, एक तो होता है क्वासियोकर और दूसरा है मरास्मस, ये दो नाम आपको याद रखना है, ये दो रोग है क्वासियोकर और मरास्मस, ये दो रोग किसकी कमी से होते हैं, प्रोटीन की कमी से। अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से किससे ऊर्जा प्राप्त नहीं होती, ऑप्शंस है विटामिन, वसा, प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट, तो मैंने बताया था इन तीनों से तो ऊर्जा प्रदान होती है लेकिन विटामिन से ऊर्जा प्रदान नहीं होती, तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन है सोयाबीन में कितना प्रतिशत प्रोटीन होता है, ये भी मैंने बताया था 42% आपको बताया था, आंसर हो जाएगा 42%। अगला क्वेश्चन है कि मानव शरीर में जो वसा होता है वो कहाँ किस में जमा होता है ये बताना है, तो ये मैंने बताया था जो वसा है वो टिश्यू ऊतक में जमा होता है, आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से प्रोटीन का सबसे अधिक स्रोत है ये किस में पाया जाता है, सबसे ज्यादा होता है सोयाबीन में, कितना परसेंट होता है, 42% होता है। यहाँ पे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कार्बोहाइड्रेट के अलावा हमारे भोजन में ऊर्जा का एक प्रमुख स्रोत है, ऑप्शंस यहाँ पे दिए हैं प्रोटीन, वसा, खनिज पदार्थ या फिर विटामिन, तो इसमें से जो कार्बोहाइड्रेट है इसके अलावा जो फैट है, वसा है, ये हमारे भोजन में ऊर्जा का एक प्रमुख स्रोत है। गाइस एक चीज यहाँ देखिए, 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट होता है इससे मिलती 4.2 कैल्सियस ऊर्जा प्रदान होती है, और यहाँ पे अगर बात करें 1 ग्राम प्रोटीन की बात करें तो इससे 4.1, और जो 1 ग्राम अगर फैट की बात करते हैं
तो इससे मिलती है 9.2, तो सबसे ज्यादा मिलती है 9.2 मतलब कि ये फैट से, तो आंसर यहाँ पे होगा फैट, आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है कि कौन शाकाहारी भोजन का हिस्सा नहीं हो सकता, ये बताना है शाकाहारी भोजन का इसमें से कौन हिस्सा नहीं हो सकता। तो यहाँ पे देखो अगर बात करें अंडा मछली और दूध, तो ये शाकाहारी भोजन का हिस्सा नहीं हो सकता, तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी है, ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन एक कृत्रिम मीठा है, तो यहाँ पे देखो ऑप्शंस दिए हुए हैं, इनमें से अगर बात करें कृत्रिम मीठा का, तो जो ये सुक्रोस है ये एक कृत्रिम मीठा नहीं है, तो आंसर हो जाएगा सुक्रोस। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन है कि उच्च रक्तचाप यानी कि जो हाई ब्लड प्रेशर जो होता है, इससे पीड़ित व्यक्ति को उन खाद्य पदार्थों से बचना चाहिए जो समृद्ध है, तो देखो इनको उन खाद्य पदार्थों से बनना चाहिए जिसमें जो सबसे ज्यादा समृद्ध है सोडियम जिनमें होता है, तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन है कि किसे पूर्ण प्रोटीन भोजन माना जाता है, तो सबसे पूर्ण प्रोटीन भोजन मानते हैं सोयाबीन को, तो आंसर हो जाएगा सोयाबीन। सोयाबीन में सबसे ज्यादा प्रोटीन होती है 42%, आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है कि स्वस्थ प्रतिरक्षा प्रणाली के लिए निम्न में से किस पोषक तत्व की आवश्यकता होती है, ये बताना है, तो ये होती है किसमें होती है, विटामिन सी में होती है, तो यहाँ पे आपको याद रखना है विटामिन सी। अगला क्वेश्चन है कि कौन सा ओमेगा 3 तेलों का एक समृद्ध स्रोत है, तो ये है कोड लीवर तेल है, ये आंसर यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है कि मजबूत हड्डियों के निर्माण के लिए जो कैल्शियम के साथ कौन कार्य करता है, ये बताना है, तो मजबूत हड्डियों के निर्माण के लिए कैल्शियम के साथ कार्य करता है विटामिन डी, आपको याद रखना है विटामिन डी। अगला क्वेश्चन है कि किसे प्रोटीन का आसानी से पचने वाला स्रोत माना जाता है, तो प्रोटीन का आसानी से पचने वाला स्रोत मानते हैं सोयाबीन को। अगला क्वेश्चन है कि दूध पनीर और अंडे किसके स्रोत है, ये बताना है, तो दूध पनीर अंडों की बात करें तो विटामिन ए और डी है इसके स्रोत है, तो आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किसका उच्चतम कैलोरी मान है, सबसे ज्यादा कैलोरी मान किसका है, तो गाइस यहाँ पे आपको याद रखना है कि सबसे ज्यादा जो कैलोरी मान होता है ये होता है फैट का, कितना होता है, तो यहाँ पे मैं बता देती हूँ 9.2 यानी कि 1 ग्राम फैट में कितनी कैलोरी होती है, तो ये आप देख सकते हो। और कार्बोहाइड्रेट की बात करें तो 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट से कितनी कैलोरी कितनी ऊर्जा मिलती है 4.2 आपको याद रखना है, और 1 ग्राम प्रोटीन होता है इससे मिलती है 4.1, इस तरह से आपको याद रखना है। अगला है कि कौन सी खाद्य वस्तु जो लोहा होता है यानी कि आयरन होता है इससे समृद्ध है, तो आयरन से समृद्ध है, इन ऑप्शंस की बात करें तो इनमें से दलहन यानी कि आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन है कि दालें एक अच्छा स्रोत है, दाल है वो किसका अच्छा स्रोत है, ये बताना है, ऑप्शन से कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन वसा या फिर विटामिन, तो दालों की बात करते हैं तो ये प्रोटीन का काफी अच्छा सोर्स इनको कहते हैं, तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी है, ये हमारा इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। आज के इस सेशन में इतना ही रखते हैं, तो गाइस आज का अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, और साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, और साथ ही साथ घंटी की चिन्ह को ज़रूर दबा लीजिएगा जिससे आपको हर वीडियो की लेटेस्ट अपडेट मिलती रहेंगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।